नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये गजब अजब गजब केवल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। योगी आदित्यनाथ बिल लाए और प्रदेश अध्यक्ष कहते बीजेपी का, नहीं नहीं ये बिल गलत है, पकड़ो अपना सब, नहीं पास कराएंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी नायाब लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकती है। हम अभय द्विवेदी जी से पूछेंगे, रोड शो करते हैं उनके संग, जाने माने पत्रकार हैं, एबीपी पे आप देखते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छी बात करते हैं। हम उनसे पूछेंगे राहुल गांधी के घर ईडी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी तो क्या रिजल्ट होगा, नहीं पहुंचेगी तो क्या माना जाएगा। मोदी जी डर गए हैं, ईडी सीबीआई के हथियार बेमतलब हो गए हैं, कोई डर नहीं रहा है। और हम उनसे पूछेंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में सीन क्या चल रहा है। बहुत सारी रोचक बातें हैं, आपका इंतजार रहेगा राय का। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया घटना हो रही है और राहुल गांधी ने कहा कि मेरे को पता है कि ईडी मेरे घर छापा मारने की तैयारी कर रही है। स्वागत है चाय नाश्ता और बिस्कुट मेरी तरफ से। उस पर बवाल मच गया और ईडी जो है मुझे लगता है गलत पता उसने तलाश कर लिया और राहुल गांधी की जगह उत्तर प्रदेश में आ गई। बाबू सिंह कुशवाहा के घर पर ठिकानों पे गई ईडी और वहाँ बुलडोजर उलडोजर लेके गई। और बाबू सिंह कुशवाहा वो ही हैं जो जौनपुर से, उन्होंने बीजेपी के बहुत कद्दावर कृपा शंकर सिंह, जिन पे इनकम टैक्स के, ईडी के, धोखाधड़ी के जाने कितने मुकदमे थे, लेकिन वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए और साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, मोदी जी को फूल का गुलदस्ता दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होकर जौनपुर से चुनाव लड़ गए। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने उनको हरा दिया और बाद में अखिलेश ने उनको समाजवादी पार्टी का उपनेता बना दिया सदन में, तो उनके यहाँ ईडी पहुंच गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने ये सुर्खियां बटोरने के लिए कहा या वास्तव में ईडी घेरना चाहती है राहुल गांधी को। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले मोदी जी की रणनीति है कि सीधा राहुल गांधी को ही घेरे में ले लिया जाए, राहुल गांधी को ही भ्रष्टाचार कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी का जो ग्राफ बड़ा है इन दिनों में उससे परेशान है। लगता है कि पूरे घटनाक्रम में आपका क्या मानना है? इसमें सबसे दिलचस्प टिप्पणी इसी विषय पर चर्चा करते हुए एक ऐसे पत्रकार की जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजदीकी पत्रकार कहता है और इसी रूप में उसको टीवी पर अभी से नहीं मुद्दतों से पेश भी किया जाता है। उसका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह हिम्मत ही नहीं है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हाथ डाल सके। उसके बाद में एक अन्य पत्रकार ने यह कहा कि भाई आप ये बताइए कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार पांच साल पहले ईडी ने जो मुकदमा किया था, रॉबर्ट वाड्रा को अपने यहां बुलाकर पूछताछ की थी, उस वक्त तो दावा यह किया जा रहा था कि जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गवाह है ईडी का, ईडी रॉबर्ट वाड्रा को और उसको दोनों को आमने सामने बैठ के बात करवाएगी और उसी में रॉबर्ट वाड्रा जो है वो सारी बातें उगल लेंगे और वो छुपा नहीं पाएंगे और आज रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेज दिया जाएगा। इस बात को 5 साल से ज्यादा हो चुके तो पूरे इस वक्त सार्वजनिक विमर्श क्या है? सार्वजनिक विमर्श ये है, वो सार्वजनिक विमर्श भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उससे हमदर्दी रखने वालों के बीच का विमर्श बता रहा हूं मैं, उनके आलोचकों का नहीं बता रहा हूं। उनका मानना यह है कि इस सरकार के पास ये हिम्मत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर हाथ डाल सके या गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति, चाहे भले ही रॉबर्ट वाड्रा क्यों ना हो, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, उसके ऊपर हाथ डाल सके। दिक्कत की बात यह है कि जो मुकदमा कायम कर रखे हैं उन मुकदमों को वापस नहीं ले सकते, वरना फिर नाक कट जाएगी। तो सारी चीजें हवा में लटकी हुई है। अच्छा, अब आप इससे अंदाज लगाइए कि ये सरकार है किस हालत में। जिस वक्त ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाइयां चल रही थी, चुनाव के दौरान भी चल रही थी, आपको तो पता ही, चुनाव के दौरान भी चल रही थी और उस पे अदालत में विपक्ष गया भी था, हम सब लोगों ने भी उसकी आलोचना की थी, चुनाव आयोग से भी कहा गया था कि ये सब आप मत होने दीजिए। उस वक्त माहौल ये था, उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था और इस तरह की दावेदारी थी, इसका कोई खंडन नहीं कर रहा था कि आगे भी स्पष्ट बहुमत आने वाला है, ये माहौल था। आज स्थिति क्या है? आज तो स्पष्ट बहुमत समाप्त हो चुका है, सरकार कमजोर है, सरकार अपने ही जो गठजोड़ पार्टनर है उनके सामने झुकने के लिए मजबूर है, सरकार की कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। यहां तक कि पूरे आर्थिक सर्वे के अंदर, आर्थिक सर्वे कौन बनाता है? सरकार के सलाहकार बनाते हैं, सरकार की मर्जी बिना आर्थिक सर्वे थोड़ा बनता। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरह चीन की जो संपत्ति है, उस चीन का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चीन का जो पूंजी निवेश है, उसको हम भारत में कैसे लाएं, इसकी तरकीबें सुझाई गई हैं आर्थिक सर्वे में। और उसके ऊपर
इस वक्त पिंक पेपर्स जो हैं, जो आर्थिक खबरों के अखबार हैं, उनके अंदर बड़े बड़े हेडिंग लग के खबर विश्लेषण और विद्वानों की बात छप रही है, चीनी एफडीआई पर चर्चा करके। ये अंग्रेजी का लेख बता रहा हूँ, तो अंग्रेजी में यही शब्द लिखा हुआ था, चीनी एफडीआई पे चर्चा, चर्चा CHARCHA चर्चा करके इस तरह की चीजें छप रही। तो इस वक्त ये सरकार, जिसे कहते नहीं कि जैसे कि आप एक व्यवस्थित कमरे में जाएं जहाँ सब चीजें ठीक से रखी हुई हैं, कपड़े घरी करके रखे हुए हैं, सब चीज ठीक से रखी हुई, बिस्तर ठीक से बिछा हुआ है, और अचानक उसको हाथों से इधर उधर फेंक दें। मतदाताओं ने असल में उस व्यवस्थित मोदी सरकार के व्यवस्थित कमरे को उतर दिया है, पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया है, सब चीजें इधर, कपड़े इधर उधर फैले पड़े हुए हैं, कोई चीज रखी नहीं है, हर चीज पड़ी हुई है। इस सरकार की सारी नीतियां, इस सरकार के सभी चीजें जो है अव्यवस्थित हो गई हैं, बद इंतजामी की शिकार हो गई हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखिए पिछले 1.5 महीने के अंदर 15 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, 15 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं 1.5 महीने के अंदर हो चुकी हैं। आप और कितने लोग उसके अंदर मर चुके हैं, बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, कुछ भी इस सरकार के लिए ठीक नहीं हो रहा है। अब ये राहुल गांधी ने जो बात कही है, इससे सरकार की कमजोरी की एक और पोल खुलती है। इस गठजोड़ सरकार की स्थिति में तो ये मुझे नहीं लगता है सरकार हिम्मत करेगी कि विपक्ष का उस तरीके से दमन करने की कोशिश करे जिस तरह का दमन वो 1 साल पहले कर रही थी या चुनाव के 6 महीने पहले कर रही थी, कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो जो गठजोड़ सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों के अंदर एक प्रतिक्रिया होगी और एनडीए के अंदर समस्या पैदा हो सकती है। ये भी हम लोगों को देखना है, अगर ये सरकार ऐसी जरूरत करती है विपक्ष के नेताओं का दमन करने की, तो एनडीए के अंदर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। काफी बुरी हालत है इस सरकार की, और राहुल गांधी ने यह कह, मैं समझता हूं ये बहुत ही उनकी चतुराईपूर्ण टिप्पणी है और एक चुनौती भी है कि अगर तुम में हिम्मत हो तो हमारा कुछ बिगाड़ लो। उस वक्त राहुल गांधी किसी मतलब लोकसभा चुनाव से पहले किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, उनको एक साधारण नागरिक की तरह पकड़ा और गिरफ्तार किया जा सकता था। अब तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो केंद्र सरकार के अंदर एक संवैधानिक पद के ऊपर अगर उनके ऊपर किसी किस्म की आंच आती है, मैं बताता हूं उसका मोदी सरकार को बहुत नुकसान होगा। और सारी दुनिया में जब पहले ही से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार विपक्ष का दमन करने वाली सरकार है और ये मोदी सरकार का डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, मतलब जो है सारी दुनिया में मोदी सरकार की नाक और भी ज्यादा नीची होगी इससे, तो यह बिल्कुल इनके लिए असंभव है। असली बात यह है कि राहुल गांधी, अब पूछा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी के पास वो सूत्र, राहुल गांधी ने कहा सूत्रों से मुझे पता चला, यही तो कहा राहुल गांधी ने, तो सूत्र कौन से हैं। दरअसल जब सरकार का बहुमत, सरकार के हाथ से बहुमत चला जाता है तो जो जांच एजेंसियां हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने अंडे केवल एक ही टोकरी में रखने से इनकार कर देती है। तब जो बोतल के ऊपर ढक्कन बहुत मजबूती से लगा हुआ था वो ढक्कन दरअसल ढीला हो जाता है और खबरें सूत्रों के जरिए निकल के अपने आप ही विपक्ष के पास आने लगती हैं। तो इस वक्त जो सूत्र कहे हैं, ऐसे तो बहुत से सूत्र लोगों के पास होने जा रहे हैं, राहुल गांधी के पास, गांधी परिवार के पास, विपक्ष के अन्य नेताओं के पास। ठीक बात है, लेकिन अगर मोदी सरकार हर चीज को गोपनीय रखने में समर्थ होती थी, वो उस तरह समर्थ नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसका दूसरा मगर परिणाम देखिए, मान लीजिए ये जो आप बता रहे हैं ये बात आप सब मजाक में उड़ाने लगे हैं कि तो राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत हो तो बीडी भेज के दिखाओ। अगर मान लीजिए इसी खुंदक में, इसी चिड़ में, क्योंकि आजकल मोदी जी को गुस्सा भी, खुंदक भी आई रही होगी, जो हाल हुआ है उनका, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया, तो चिड़ आना स्वाभाविक है। मेरे अंदर भी है, किसी भी मानव स्वभाव है, कोई आदमी कहे कि अब की बार 400 पार और बहुमत भी नहीं है, और जो इंसान कहता हो कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो ऊपर से देवदूत हूँ, फिर उस आदमी का ये हाल हो जाए, तो कहीं ना कहीं अंदर से पीड़ा भी होती है, मोदी जी के चेहरे से लगती भी है, पीड़ित है वो। अगर मान लीजिए खुंदक में वो ईडी की टीम से कहते हैं जाओ राहुल गांधी की का रेड करके आओ, मिले ना मिले, अगर राहुल गांधी के घर पे ईडी की रेड होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, तो उसका क्या क्या नतीजा होगा? क्या कांग्रेस के पक्ष में होगा, विपक्ष के पक्ष में होगा? क्या उसके राजनीतिक फलितार्थ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे और बहुत दूरगामी दृष्टि के खिलाफ नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि उसका तुरंत प्रतिक्रिया होने लगेगी उसकी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी को बुलाया गया था और कांग्रेस सड़क पे उतर आई थी और बहुत जबरदस्त रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके खिलाफ प्रदर्शन और धरने किए थे, आपको ध्यान होगा। अब तो पूरा इंडिया गठबंधन करेगा, तब तो इंडिया गठबंधन बना नहीं था,
अब तो पूरा इंडिया गठबंधन करेगा और विपक्ष की एकता और भी ज्यादा मजबूत होगी। ये करके देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के पीछे और उसकी एकता मजबूत होने के पीछे सरकार द्वारा किया गया विपक्ष का दमन है ना, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। अगर सरकार विपक्ष का इस तरीके से दमन नहीं करती तो शायद इन लोगों के बीच के अंतर्विरोध ज्यादा मुखर रहते, एकता इतनी मुखर नहीं होती। क्यों अंतर्विरोध पीछे चले गए और एकता सामने आ गई, ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, वो तो मोदी जी ने ही धकेला इन लोगों को एकता करने की तरफ। अब मोदी जी अगर इस तरह का काम करेंगे तो ये दरअसल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पैर थोड़ा सा कट भी चुका है, 63 सीटें कम हो चुकी हैं इनकी। अब की बार बहुत जोर से कुल्हाड़ी मारेंगे तो पैर का एक हिस्सा और कट जाएगा, इनका बहुत नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में, देखिए मैं इस बात को जानबूझ के कह रहा हूं, ये बात अब केवल देश के अंदर तक सीमित नहीं रह गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे बड़े पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश हैं, वो देश भी इस बात को उठाना शुरू कर देंगे अंतरराष्ट्रीय मंचों के ऊपर कि ये भारत में क्या हो रहा है, और इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही इनके ऊपर सवालिया निशान है, तो और सवालिया निशान और बढ़ जाएंगे। भाई भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक निरंकुशता नहीं है। अगर भारत को एक एक, एक सेमी डेमोक्रेट, अभी अभी तक तो भारत को कुछ एजेंसी, कुछ रेटिंग एजेंसियों ने सेमी डेमोक्रेटिक कैटेगरी में, मोदी जी ने पिछले 5-6 साल में जो हरकतें की थी उससे भारत डेमोक्रेटिक कैटेगरी से सेमी डेमोक्रेटिक कैटेगरी में चला गया था। इसके बाद में भारत सेमी ऑटोक्रेटिक कैटेगरी में आ जाएगा, उसमें मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बीच में मोदी जी तो हर जगह कील कांटे दुरुस्त करना चाह रहे हैं। मेरे को जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि बीजू जनता दल के और जगन की पार्टी के जितने राज्यसभा सांसद हैं उनसे इस्तीफा दिलाए जाएं। मोदी जी चाहते हैं कि राज्यसभा में भी बहुमत पूरा मिल जाए। कल हमने देखा पटनायक साहब के पार्टी के एमपी ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हो गई। और ये कोई पहली बार नहीं है, जो मोदी जी के संग क्षेत्रीय पार्टी आई उसका अस्तित्व खत्म सा ही हो गया, कुछ ही लोग बचे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है कि एक तरह से पटनायक की पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से इस्तीफा दिलाओ, फिर जगन की पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से इस्तीफा दिलाओ, फिर बीजेपी में शामिल करो, ये स्ट्रेटेजी क्या कामयाब होगी? और कैसा राज्यसभा में बहुमत क्यों चाहते हैं? कोई बड़ा प्लान है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं है तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करके आप क्या तीर मार लेंगे? आपका लोकसभा में बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों के साथ तो है ना बहुमत लोकसभा में, दलों के साथ ही है। लेकिन सहयोगी दल किसी भी ऐसी बात के ऊपर जो कि मुश्किल तलब बातचीत हो, जिसमें दिक्कत हो, उसमें आप जरूरी नहीं कि समर्थन करने के लिए तैयार हो। सहयोगी दल कहेंगे हमसे पूछ के तो आपने फलाना प्रस्ताव रखा नहीं। देखिए जो गठजोड़ सरकार होती है उसमें पता नहीं कब किस बात के ऊपर विरोध शुरू हो जाए, कब किस बात पर आपत्तियां शुरू हो जाए। आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी भी अपने पार्टनर को। वो पार्टनर तो एक किसी एक भले ही न्यूनतम कार्यक्रम आपका घोषित ना हो लेकिन दिमाग में तो रहता ही है एक न्यूनतम कार्यक्रम कि भाई इस तरह की बात के ऊपर हम नहीं करेंगे। अगर तेलुगु देशम के घोषणा पत्र में कोई बात लिखी हुई है मोदी जी की केंद्र सरकार के एनडीए की केंद्र सरकार के किसी कदम से तेलुगु देशम के घोषणा पत्र में लिखी हुई किसी बात के ऊपर आंच आती है तो वो उसका समर्थन नहीं करेंगे। आप सोचिए अगर मोदी जी अगर ये प्रस्ताव लाते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो जनता दल यूनाइटेड क्या करेगा? नहीं करेगा, वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो तो करवा चुका है जातिगत जनगणना, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ता है। तो ये सब नहीं है। अब देखिए सारी चीजें मोदी जी के हाथ में नहीं है। मोदी जी को आजकल जो सलाहें दी जा रही है वो भी बहुत उलझुल किस्म की है, इनके लिए बहुत मुश्किल। जिस तरह अनुराग ठाकुर के भाषण को उन्होंने ट्वीट किया है और उसकी तारीफें की हैं, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन लोगों का रणनीतिक मानस जो था, जो पहले बहुत ही आपको शार्प लगता था, मतलब बहुत कुशाग्र लगते थे सवाल के ऊपर, वो गड़बड़ा गया है। अब वो बात नहीं रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति पे आप गौर कीजिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उत्पात मचा हुआ है, गदर मचा हुआ है, उसको जो हैंडल कर रहे हैं उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी अकलमंदी का परिचय दे रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मामले में अमित शाह और मोदी बहुत अकलमंदी का परिचय दे रहे हैं? मैं आपसे अभय जी वही पूछना चाह रहा था कि गजब हो गया उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा में नजूल जमीनें जिनपे लोग अनादर के तरीके से रह रहे हैं, मान लो योगी आदित्यनाथ बिल ले आए उसके लिए, उनकी सरकार बिल ले आई,
सदन में ही बीजेपी के दो विधायक खड़े हो गए कि ये बिल गलत है भाई, इससे बहुत लोग प्रभावित हो जाएंगे, खासतौर से प्रयागराज की में तो हजारों लाखों परिवार रहते हैं, सौ सौ सालों से रह रहे हैं। राजा भैया खड़े हो गए, खड़े हो जाते अलग बात है, अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के मिनिस्टर ने तो चिट्ठी लिख दी कि योगी जी जिन अफसरों ने आपसे ये बिल बनाया उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करिए, बिल तो जन विरोधी है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन योगी जी क्या मानते हैं, विधानसभा से बिल पास हो गया। जब विधान परिषद में गया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने विरोध कर दिया कि नहीं बिल जनभावना के अनुकूल नहीं है और बिल वो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। मेरी जानकारी में आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई रूलिंग पार्टी बिल विधानसभा से पास करके भेजे और उस रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही कह दे कि ये बिल गलत है, जनभावना के खिलाफ है। मतलब ये तो सीधा सीधा अब तक का सीधा अटैक है योगी बनाम भूपेन्द्र चौधरी में, तो जंग यहां तक आ गई है कि विधानसभा के बिल को वो रिजेक्ट करा देंगे, तो अब ये अब और क्या होना बाकी बचा यूपी में। अच्छा, इससे ये भी लगता है कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं ये भी बहुत रणनीति कुशल नहीं है। भाई राजा भैया तो नहीं के आदमी है, सही बात है। भाई भूपेन चौधरी मान लीजिए फिरोधी खेमे के आदमी है, भूपेन चौधरी ने तो मान लीजिए नई बात ही सिलेक्ट कमेटी में भिजवा दिया उसको, लेकिन राजा भैया तो भूपेन चौधरी नहीं है, राजा भैया तो सीधे सीधे इन्हीं के हैं, विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल गलत इनको राय दी गई और ये बेकार नहीं गलत राय के ऊपर अड़े हुए हैं। देखिए मुझे तो लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कोई भी किसी को नहीं पता है कि उसका हित क्या है अहित क्या है, सब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ये बहुत किसी पार्टी के लिए एक काफी बुरे दिन होते हैं इस तरह के, जब पार्टी में अव्यवस्था फैली हुई हो और किसी को ना पता हो कि सही नीति और रणनीति क्या है। इस वक्त ये लोग इस समस्या के शिकार हैं। अभी देखिए चीन के सवाल में, इसका मैंने अभी जिक्र किया था, चीनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, छोटा मोटा मुद्दा नहीं बनेगा। पीयूष गोयल ने इसको उसका खंडन करना पड़ा, पीयूष गोयल को, हम चीन से कोई एफडीआई नहीं मंगा रहे। लेकिन जब उसके ऊपर बाकायदा आपके आर्थिक सर्वे में लिखा हुआ है और उसमें चर्चा की जा रही है और उस पर बहस शुरू हो गई है, तो आप कब तक इससे बचेंगे? आर्थिक सर्वे में कोई जिस चीज को सरकार देश विरोधी मानती है आर्थिक सर्वे में वो लिख दिया जाएगा। अर्थशास्त्रियों ने उस बात को लिख दिया है, उनका क्या किया, उनको आपने क्या सजा दी, क्या जवाब तलब किया उनसे? ये तमाम बातें पूछने वाली बातें हैं भाई। ये काफी मुश्किल स्थिति में है ये लोग, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना काम हम किस तरीके से करें। अभी तो ये भी पता गया है, मैं इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक में काफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन लोगों को लताड़ा और काफी ये लोग सब भौचक्के होकर सुनते रहे, इतनी डांट तो कभी नहीं पड़ी थी। अबे जी हमने परसों प्रोग्राम किया था, नागपुर से राजीव रंजन जी आते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनके संग मैंने प्रोग्राम किया था, राजीव रंजन ने खुलासा किया ही है कि एक बैठक हुई, उसमें संघ ने साफ साफ कह दिया कि हमने आपको दिया था, सब कुछ सौंपा था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इस स्थिति के बाद आप ही तय करेंगे कि नंबर वन के बाद नंबर टू कौन रहेगा, थ्री कौन रहेगा, फोर कौन रहेगा, ये हालात अब नहीं चलने वाले हैं। उसके बाद ही गडकरी ने चिट्ठी लिखी वित्त मंत्री को। आप बताइए कि गडकरी की चिट्ठी जो आई है वित्त मंत्री को कि साहब ये मेडिकल इंश्योरेंस पे आपको नहीं लेना चाहिए जीएसटी, ये जो विरोध कर रहे थे विपक्ष, पार्टी का मिनिस्टर ही लिख रहा है वित्त मंत्री को चिट्ठी। जी हाँ। देखिए भाजपा के अंदर से कई जगह विरोध के स्वर उठने लगे हैं और जब उन स्वरों को दबाने की कोशिश की जाती है तो वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं। मसलन आप देखिए कि जो गौरव गोगोई हैं, गौरव गोगोई की जब जीत हुई तो उस जीत को भाजपा के दो विधायकों ने उनको जीत की बधाई दी। हेमंत विश्व शर्मा ने उनसे कहा कि आप जीत की बधाई वापस लीजिए, उन लोगों ने हेमंत विश्व शर्मा की बात मानने से मना कर दिया, हेमंत विश्व शर्मा उनका कुछ भी नहीं कर पाए। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं भाजपा के अंदर। अब जैसे अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा, ये दूसरा पत्र है उनका योगी जी के खिलाफ दूसरा। हाँ। अब योगी जी ने एक कदम बढ़िया उठाया, मतलब अपने हित में, बढ़िया क्या, अपने हित में उठाया कि पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत उनका झंडा बुलंद हो। सही कह रहे सर, यूपी में तो बहुत हंगामा ही चल रहा है कि आप सही कह रहे हैं कि भूपेन्द्र चौधरी विरोध कर रहे हैं, अनुप्रिया कर रही हैं, अफसरों ने फंसाया, तो ये फसाद कब तक चलेगा उत्तर प्रदेश में और कब तक ये लड़ाइयां रहेंगी? जब तक वो आदित्यनाथ को हटाने में कामयाब नहीं हो जाते, इसमें उनको समय लग रहा है। देखिए मैं यहाँ दिल्ली में जब पत्रकारों से बात करता हूँ जिन्होंने यूपी की राजनीति की समझ है, तो वो कहते हैं कि आदित्यनाथ को हटाना इनके लिए बहुत मुश्किल बात है, शायद ही हटा ही ना पाए।
कई बात है, वो भी कम नहीं है। मेरा मानना है कि इनके लिए मुश्किल बात है, इनको आदित्यनाथ को हटाने से नुकसान होगा और ये जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं उनको, उसकी पूरा फैसला इन्होंने कर लिया है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये तय नहीं कर पा रहे उनकी जगह बनाएंगे किसको। मेरे ख्याल से तो जिस दिन ये इनको सही व्यक्ति प्राप्त हो गया मुख्यमंत्री पद के लिए, उस दिन ये आदित्यनाथ जी को हटा देंगे चाहे कुछ हो जाए। और जो नुकसान वगैरह होगा, अभी लोग विधानसभा चुनाव में काफी दिन है, उस बीच में उस नुकसान की भरपाई करने की ये लोग तरह तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए आप आदित्यनाथ जी को हटाते हैं, किसी राजपूत को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं या कुछ करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ भरपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक ये आदित्यनाथ जी को हटा नहीं देते, तब तक उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का घमासान चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की छवि में गिरावट होती रहेगी, मोदी अच्छा, की छवि में गिरावट होती रहेगी और भाजपा की छवि में गिरावट होती रहेगी। अच्छा, आदित्यनाथ भी कम नहीं है, उन्होंने भी टीम अपनी बनानी शुरू कर दी, जैसे कुर्मियों के नेता के रूप में उन्होंने स्वतंत्र देव को प्रमोट करना शुरू किया। स्वतंत्र देव जो है वो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी माने जाते हैं। ठाकुरों के रूप में उन्होंने दयाशंकर सिंह, आजकल उनके बड़े कवि करीबी हैं, सेकंड ठाकुर लाइन उन्होंने दयाशंकर सिंह की बढ़ा दी। इसी तरह ब्राह्मणों में उनको लगता है कि ब्रजेश पाठक विरोध करेंगे तो युवा मोर्चे का अध्यक्ष है MLC प्रांशु द्विवेदी, आजकल प्रांशु उनके लिए बड़ी बैटिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणों के में जगह जगह मैसेज कर रहे हैं। तो इस तरह की टीम उन्होंने बनानी शुरू कर दी, वही ठाकुर कुर्मी ब्राह्मण। तो योगी आदित्यनाथ भी धीरे धीरे विधायकों से भी मिल रहे हैं, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ से लॉबिंग हो रही है अपनी अपनी की, एक खेमा जो है वो योगी आदित्यनाथ के विरोध में, केशव मौर्य उसकी कमान संभाले हुए हैं, योगी जी अपने संघ विधायकों की लड़ रही है। क्या बीजेपी में कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन 50 विधायक इधर और 150 विधायक उधर टाइप का सीन बन जाए? कुछ भी सीन हो सकता है, देखिए भद्दी से भद्दी स्थिति बन सकती है। और योगी जी को ये पता है कहीं ना कहीं कि उनको हटाया जाएगा अंततः, देर सवेर हो सकती है। इसके लिए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को दोबारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जब मैं यहाँ से जाता हूँ नोएडा की तरफ, ABP चैनल के दफ्तर की तरफ जाता हूँ, तो रास्ते में मुझे अभी हाल ही में हिंदू युवा वाहिनी के बहुत सारे बोर्ड दिखने लगे। अच्छा, उसमें स्थानीय प्रयोजक का चेहरा होता है, साथ में योगी जी का चेहरा होता है। अच्छा, लाइन बनने शुरू हो गई। बिल्कुल, 2017 में जब इनको मैंने ध्यान से देखा, हमने कहा अच्छा ये तो दोबारा शुरू हो गया, ये मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे तब क्या किस किस जरिए राजनीति करेंगे, उसके लिए पुराने संगठन को जिलाना दोबारा जरूरी है। अमित शाह के दबाव में संगठन को भंग किया गया था 2017 में, जब मुख्यमंत्री बनने की हो गई, इन्हीं को बनाया जाएगा, तो अमित शाह ने कहा कि पहले हिंदू युवा वाहिनी भंग कीजिए, तब उन्होंने भंग की, उसके बाद में फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब चूंकि मुख्यमंत्री पद से हटने की नौबत आ गई है, तो उन्होंने उसको दोबारा जीवित कर दिया है। मेरे ख्याल से गोरखपुर से खबर वबर मंगवाइए, वहां भी शुरू हो गया होगा ये। हाँ नहीं, वहां चर्चा में आई थी, और कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहा है अभी, तो ये कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर अगर उस संगठन के नाम से हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि संगठन आगे भी चलेगा। अच्छा, वो जो है बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी इस तरह की चर्चा चल रही है। और योगी जी ने तो हाउस में भी कहा कि मुझे कोई प्रतिष्ठा यहाँ कमाने नहीं आया हूँ, प्रतिष्ठा कमाता मैं गोरखपुर में मठ में बैठ के प्रतिष्ठा कमा लेता। यानी उन्होंने हाउस में भी भाषण देते समय इशारा कर दिया कि अगर मुझे प्रतिष्ठा लेनी होती तो मैं मठ से बैठ के ले सकता था, अब असली खेल तो है सीधा सीधा यहाँ पे आके सरकार चलाने का। तो जाहिर है कि ये जो खेल है, ये जो इशारे हैं, ये जो बातें हैं, ये दूर तलक जाएंगी। और राजनीति में होता भी है, ये ऐसे इशारे दिए जाते हैं और ऐसे इशारे दूर तलक चलते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, योगी जी अपने निजी लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं और जो बातचीत छन-छन के बाहर आती है वो यही है कि देखिए हमें अगर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया तो मेरे पास तो चलाने के लिए एक मठ है, मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन फिर मैं इन दोनों को देखूंगा कि ये गुजरात कब जाते हैं। तो इस तरह की बात उनकी तरफ, हाँ इस तरह की बात उनकी तरफ से ये की जाती है। और सारा खेल खुला खेल फरक्कावादी हो रहा है, अब इसके अंदर कोई दबी छुपी हुई बात नहीं है। जब पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए बिल का सदन में विरोध कर देता है और उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मजबूर कर देता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल जो कहावत के यहाँ उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, कि बजाय होना कहावत इस तरह चाहिए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं का मतलब है कुछ कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें गड़बड़ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हर चीज गड़बड़ है। ये जो ऐलान जंग है, अगर ये हो गया तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव सिर पर हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगर यहाँ जरा सा भी कुछ गड़बड़ाया तो वहां पे लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, महाराष्ट्र और हरियाणा में तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के मुकाबले पीछे है। महाराष्ट्र में जो
महाविकास अघाड़ी है वो महायुति के मुकाबले मजबूत है और वो लोग विधानसभा चुनावों में आज की स्थिति के अंदर तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में है। हरियाणा में तो बहुत भारतीय जनता पार्टी खराब स्थिति में है, बड़े बड़े विज्ञापन निकाल रहे हैं नसीब सिंह सैनी महारा हरियाणा करके, बड़े बड़े कितना रुपया खर्च होने लगा है विज्ञापनों पर, एक एक पेज के विज्ञापन आ रहे हैं आजकल अखबारों में महारा हरियाणा कहकर। लेकिन अब देखिए क्या होता है, वो परिस्थिति किस तरफ ले जाती है इनको जो। अच्छा अखिलेश यादव पूरे मजे ले रहे हैं वो के जब वो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे भड़क रहे थे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे गरम हो रहे थे, तो अखिलेश यादव मजे ले रहे थे कि भाई यूपी की दिल्ली वालों से नाराज हो, लड़ाई यूपी में क्यों कर रहे हो दिल्ली। तो जो अखिलेश यादव इन दोनों तंज कस रहे हैं, इन दोनों जो बातें कर रहे हैं, इन दोनों जो हमले कर रहे हैं, वो क्या मौका मिल रहा है 10 विधानसभा के उपचुनाव सिर पर है, क्या समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी को एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बिछा के दे रही है बीजेपी कि भाई तुम दसों में से आराम से बैटिंग करके जीत जाओ, क्योंकि अगर ये लड़ाई लड़ती रही तो राहुल गांधी और अखिलेश के लिए तो ये जमीन तैयार करना बड़ा बढ़िया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो इसका असर महाराष्ट्र पे ना पड़े, इसका असर हरियाणा पे ना पड़े, इसका मैसेज ना जाए, ये असंभव है। यानी एक लड़ाई की फिगर वहां पे भी जाएगी, तो क्या इन दोनों चुनाव में वैसे भी नुकसान है ही हरियाणा महाराष्ट्र में, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की वजह से भी वहां नुकसान होगा? देखिए सारा देश मीडिया रेवोल्यूशन की बात में आपस में जुड़ चुका है। अब ऐसा नहीं रहा कि यहाँ तक तमिलनाडु में अगर कुछ होगा तो उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा। भाई तमिलनाडु में सनातन वाला मुद्दा उभरा था ना, हाँ भाई तमिलनाडु में उभरा सनातन वाला मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को सारे देश के लिए बनाया उन्होंने। यूपी में तो किसी ने सनातन के खिलाफ बोला नहीं था, किसी ने नहीं बोला था। कोई भी बात कहीं भी हो सारे देश पे उसका असर होता है और ये उस प्रभाव से बच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति है और आला कमान के साथ उसका जो विवाद है और भाजपा के अंदर भी जो जूतों में दाल बटी जा रही है, इसके अपने विधानसभा में बिल पास हो गया, विधान परिषद में भाजपा अध्यक्ष ने उसको सिलेक्ट कमेटी भिजवा दिया, ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे माना जाए कि ये लोग चुनाव उपचुनाव जीतने की स्थिति में, उपचुनाव जीतने के लिए तो आपको मिलजुल प्रयास करना पड़ेगा। बहस हो रही है कि संगठन ऊपर के सरकार ऊपर, जहां पर ये बहस होने लगे कि संगठन ऊपर सरकार ऊपर, वहां पर एकता रहेगी नहीं आपस में। अच्छा मजे की बात यह है कि केवल बीजेपी के अंदर ही नहीं, सहयोगी दल के जो लोग हैं, राजभर हैं, संजय निषाद हैं, ये लोग भी विरोध कर रहे हैं कि ये नजर बिल गलत है। मतलब ऐसा बिल जो पता था कि आपके बीजेपी के अंदर बगावत हो जाएगी, सहयोगी दल बगावत कर देंगे, तो ऐसे बिल लाने की जल्दी क्या थी, क्यों जल्दबाजी में फैसला लिया गया? देखिए जब बुरे दिन आते हैं तो आप इसी तरह की हरकतें करने लगते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है अपनी स्ट्रेटजी किसी की बिल्कुल पक्की नहीं है, सोच समझ के कोई काम नहीं हो रहा है, नीजर रिएक्शन है हर जगह, इसी तरह की तमाम गतिविधियां हो रही हैं, तो ये सब बुरे दिनों की तरफ संकेत कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी और आपको बता रहे थे राजनीति की बेबाक बातचीत। उसको यकीन है ये चैनल ये बात आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर अवगत कराएगा। शुक्रिया, थैंक यू।